वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स। अगर आप अपने फेस पर दाग धब्बे और कील मुहासों से अगर परेशान हैं, तो आज मैं आपके लिए एक काफ़ी यूनिक फेस मास्क लेकर आई हूँ, जिससे कि आपकी स्किन इवन टोन्ड होने लगेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एक बेहतरीन एंटी एजिंग फेस मास्क है, इससे आपकी स्किन टाइटनिंग और ब्राइटनिंग लगेगी, फाइन लाइन्स रिंकल्स कम होने लगेंगे। तो चलिए फिर, इस एंटी एजिंग फेस मास्क को बनाने के लिए आपको लेना है सबसे पहले 2 से 3 आलमंड्स। आप चाहें तो एक आध एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं, बट 2 से 3 इज फाइन। फिर नेक्स्ट आपको इसमें ऐड करना है, ये देखिए, कॉफी सीड्स, जिसे हम खसखस भी कहते हैं। वैसे मैं बता दूं, ये थोड़ा सा महंगा आता है और मोस्टली ये नॉर्दर्न पार्ट में आई थिंक ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो आपको ज़्यादा नहीं लेना है, हाफ से एक चम्मच के अंदर ही लेना है। अगर आपके पास नहीं है या फिर आप नहीं यूज करना चाहते हैं, तो ये आप एज अ ऑप्शनल इंग्रेडिएंट ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे चिया सीड्स। चिया सीड्स आपको लगभग हाफ से 1 टीस्पून के अंदर लेना है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स में ये एक कॉमन बात यह है कि सभी इंग्रेडिएंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स में भरपूर है, विटामिन ई इसमें होता है और ये स्किन हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों को ग्राइंड करना है, और इसे ग्राइंड करने के लिए हमें एक थोड़ा सा लिक्विड चाहिए होगा। तो कौन सा लिक्विड हम इसमें यूज करेंगे? हम इसमें यूज करेंगे चावल का पानी। इसमें मैंने फर्मेंटेड राइस वाटर थोड़ा सा लिया है। आप चाहें तो तुरंत एक कटोरी में चावल और थोड़ा सा पानी लेके उसको थोड़ा सा आप अच्छे से धो लेंगे, उसके बाद जो उसका पानी रहेगा थोड़ा सा हल्का मैश कर दीजिएगा राइस को, और उसके बाद जाके उसका वो पानी यूज कीजिएगा। तो अब क्या करेंगे ना, इसको हम थोड़ा सा सोक करने देंगे, थोड़ा सा ये सोक हो जाए तो अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं कितना अच्छा स्मूथ कंसिस्टेंसी में ये मैंने ग्राइंड किया है। आप भी इसे स्मूथ तरीके से ग्राइंड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको चाहिए थोड़ा सा ज़्यादा, अगर इसमें ऐड करना चाहते हैं अगर वाटर, इसमें राइस वाटर, तो इत्मीनान से थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए और इसे स्मूथ तरीके से ग्राइंड कीजिएगा। तो मैंने एक बोल में मेरे ज़रूरत के हिसाब से मैंने ले लिया है। वैसे ग्राइंड किया हुआ था, देखिए अभी थोड़ा सा ढेर सारा है यहाँ पे, बट मुझे उतना नहीं चाहिए इस फेस मास्क के लिए, बस 2 से 3 चम्मच काफ़ी होगा। तो जैसे अब आप सोच रहे होंगे ये जो ग्राइंड किया हुआ जो बच गया है इसका क्या करना है, आप इसे बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। इसको क्या करना है, आपको एक एयरटाइट कंटेनर में अपने फ्रिज में स्टोर करना है। अगर आप इसमें फर्मेंटेड राइस वाटर डाल रहे हैं तो कम से कम ये 3 से 4 दिन फ्रिज में अच्छे तरीके से रहेगा, और अगर आप फ्रेश राइस वाटर यूज कर रहे हैं तो ये 10 दिन का इसका शेल्फ लाइफ हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये अभी बिल्कुल लिक्विड स्टेट में है, सेमी लिक्विड स्टेट में है। अब इसे अगर मैं फेस पे लगाऊंगी तो ये चेहरे पे तो टिकेगा नहीं, इसीलिए इसमें हमें कुछ एक ऐसे इंग्रेडिएंट को ऐड करने की जरूरत है जिससे कि वो फेस मास्क जो है फेस पे थोड़ी देर टिका रहे। स्लिप अगर हो जाएगा तो सारी मेहनत हमारी बेकार हो जाएगी, है कि नहीं। तो चलिए इसमें हम एक आध इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपकी स्किन अगर काफ़ी ज़्यादा ड्राई है तो आप क्या कर सकते हैं, ड्राई स्किन के लिए आप इसमें बेसन यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मेरी थोड़ी मिक्स्ड स्किन टाइप है तो मैं इसमें बेसन यूज़ करूँगी। तो यहाँ मैं लगभग 1 से 1.5 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ। वहीं अगर आपकी स्किन एकदम ऑयली है तो आप क्या करेंगे, बेसन के बजाय आप इसमें मुल्तानी मिट्टी का 1 से 1.5 चम्मच ऐड करेंगे। चलिए अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं। स्किन में मॉइस्चर को लॉक करने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे थोड़ा सा गुलाब जल। इससे मॉइस्चर तो मिलेगा ही स्किन को, साथ ही खुशबूदार भी रहेगा ये फेस मास्क। तो ये देखिए, ये हमारा फेस मास्क, तो ये देखिए, ये हमारा एंटी एजिंग फेस मास्क बनके तैयार है।
लगाना काफी सिंपल है। फेस को आप पहले अच्छे से साफ कीजिएगा। क्लेंस कर लेने के बाद साफ चेहरे पे और अपने नेक एरिया पे ऐसे एक थिक लेयर में अप्लाई करेंगे। कम से कम 15 से 20 मिनट रखेंगे और उसके बाद वॉश ऑफ कर लेंगे। वॉश ऑफ करने के बाद मॉइस्चराइज करना स्किन को ना भूलें। तो ये जो आपको अभी मैंने फेस मास्क की रेसिपी बताई है ये बिल्कुल नया है और मुझे नहीं लगता है आपको ये कहीं सेम रेसिपी देखने को मिलेगा। इसका रेगुलर यूज़ अगर आप करते हैं ना तो आपकी स्किन में जो है टाइटनेस अच्छे से आएगी, ग्लो तो होगा ही, ये स्किन को काफ़ी अच्छे से फर्म रखेगी। तो ये एक बेहतरीन एंटी एजिंग होममेड रेसिपी है और इसी तरीके के बेहतरीन होममेड रेसिपीज आपको इस चैनल में मिलेंगे, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही इस चैनल से बने रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए एक्साइटिंग रेमेडी के साथ, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्लोइंग। बाय बाय।